नमस्कार, मैं भारती गुडविल लर्नर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने किया था श्वसन के बारे में पढ़ा था, आज की वीडियो में हम देखेंगे रुधिर यानी के ब्लड क्या होता है। चलिए, रुधिर क्या होता है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। जो प्लाज्मा जो होता है वो इसका तरल वाला भाग है, यानी कि तरल पदार्थ, पानी वाला भाग, लिक्विड वाला भाग। और ये जो होती है रुधिराणु, ये उसकी कोशिकाएं होती है। ठीक है, प्लाज्मा जो है तरल रंगीन पीला हल्के पीले रंग का द्रव होता है, जिसमें 90% जल होता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, अकार्बनिक यौगिकों जैसे इसमें बहुत सारे हार्मोन्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ भी होते हैं, वो सारी चीजें होती है। इसका कार्य क्या होता है? प्लाज्मा का कार्य होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनको उनके कार्य करने के स्थान पर पहुंचाना, यानी कि उनके गंतव्य तक पहुंचाना, और उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जित अंगों तक भेजना प्लाज्मा का कार्य होता है। अब देखते हैं रुधिराणु क्या होते हैं। रुधिराणु जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, आरबीसी नंबर वन, नंबर टू होता है डब्ल्यूबीसी, और नंबर थ्री होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी के आरबीसी का मतलब होता है लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर केशिकाएं, लाल रुधिर केशिकाएं। ठीक है, दूसरा हम इनको बोल सकते हैं या इरिथ्रोसाइट्स बोल सकते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोल सकते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोल सकते हैं। ठीक है, आरबीसी जो है हमें नाम से दिखाई दे रहा है कि ये लाल रंग के होते हैं। लाल रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें पाया जाता है क्या? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम नाम का एक लाल रंग का रंजक यानी कि वर्णक होता है, जिसकी वजह से आरबीसी का कलर लाल होता है। और एक जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी जीवों में, अधिकांश जीवों में आरबीसी में केंद्रक, नॉर्मली सभी कोशिकाओं में केंद्रक मिलता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है, लेकिन जो स्तनधारी जीव होते हैं उनकी आरबीसी सेल्स में केंद्रक नहीं मिलता। केवल कुछ ही जीव है जैसे कि कैमल यानी के ऊंट जो है उसकी कोशिका में केंद्रक मिलता है। ठीक है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 days यानी के 120 दिन होता है, यानी के कम से कम लगभग 120 दिन तक एक आरबीसी की सेल जीवित रह सकती है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होगा? आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में। बोन मैरो का मतलब है कि अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है, और इनकी जो मृत्यु होती है, आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो स्प्लीन में होती है, स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होती है, जिससे इसको आरबीसी की कब्ज कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी का जो कार्य होता है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। आरबीसी का मुख्य जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, हमने देखा आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इनका रंग लाल होता है, और इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा के अंदर, और इनकी मृत्यु होती है स्प्लीन यानी कि प्लीहा के अंदर। ठीक है, आरबीसी की संख्या ब्लड में 50 लाख से 55 लाख प्रति घन हो सकती है। ठीक है, लगभग हो सकती है। दूसरे नंबर पे आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी के व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी दूसरे नंबर पे आता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 3 से 4 दिन, इनका
जो लाइफ स्पान जीवन काल होता है 3 से 4 दिन होता है, ये होती है रंगहीन क्योंकि इनमें कोई भी हीमोग्लोबिन जैसा बनना नहीं होता। ये 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 कणिका में, नंबर 2 अकणिका में। कणिका में यानी कि ग्रैनुलोसाइट, ये काम क्या करती है, ये काम करती है रिपेयरिंग का श्रावण करती है। रिपेयरिंग एक ऐसा पदार्थ होता है कि जो रुधिर वाहिकाओं में रुधिर को जमने से रोकता है, यानी कि प्रतिस्कंदक का, ये स्कंदक का सिक्रेशन करती है, श्रावण करती है। दूसरा काम जो ये करती है कणिका में यानी डब्ल्यूबीसी की जो कणिका में कोशिकाएं होती है वो प्रतिरक्षा का काम करती है, प्रतिरक्षा यानी कि रोगों से सुरक्षा का काम करती है। जैसे कोई भी जीवाणु आ जाता है या कोई हानिकारक जो चीज आती है तो उसको भक्षकाणु यानी कि उसका क्या कर लेती है, भक्षण कर लेती है, उसको नष्ट कर देती है। दूसरा आता है अकणिका में, अकणिका में क्या करती है, ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी क्या होते हैं, प्रतिरक्षी होते हैं अगर कोई बाहर से कोई रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो कुछ कोशिकाएं ऐसे पदार्थ बनाती है जो उनसे लड़ सके और हमारी रक्षा कर सके, उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का कार्य हो गया सीधे सीधे कहूं तो रोगों से सुरक्षा करने का कार्य, कौन करेगा, रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है डब्ल्यूबीसी। तीसरे नंबर पे आता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तीसरा प्रकार है ये रुधिराणु में। प्लेटलेट्स जो काम करते हैं वो करते हैं जब चोट लग जाती है, चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करता है, रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करता है, रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करता है। तो ये हो गए हमारे रुधिर की संरचना के बारे में। अब देखते हैं रुधिर के कार्य क्या होते हैं। रुधिर के कार्य देखने के लिए हम इसकी संरचना पे ही देख सकते हैं, सबसे पहले हम प्लाज्मा से ही शुरू करते हैं। प्लाज्मा का कार्य हो जाता है हार्मोन एंजाइम उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको परिवहन करना होता है, जहां भी उनको जाना होता है वो प्लाज्मा के द्वारा जा सकते हैं। दूसरा कार्य हम ले सकते हैं आरबीसी से, आरबीसी से कार्य क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन, CO2 का परिवहन, दोनों का परिवहन कौन करेगा, आरबीसी यानी कि रुधिर के द्वारा गैसों का परिवहन भी होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य देखिए तो रुधिर का कार्य हो जाएगा, तीसरा कार्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा रोगों से लड़ने का कार्य हो जाएगा, रोगों से सुरक्षा का कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट कार्य देख लेते हैं प्लेटलेट्स यानी कि रुधिर का थक्का जमाने का कार्य हो जाएगा रुधिर का। फोर्थ एक हो जाता है शरीर के ताप का नियमन, शरीर के ताप का नियमन, ठीक है, ये हो गए रुधिर के कार्य। आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो का।